और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नीतीश कुमार 11 मई को जाएंगे मुंबई, उद्धव ठाकरे से मातोश्री में करेंगे मुलाकात, एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मिलेंगे नीतीश कुमार। विपक्षी एकता को धार देने में जुटे हैं नीतीश कुमार। तो 11 मई को ये मुलाकात मुंबई में नीतीश कुमार की एनसीपी चीफ शरद पवार से और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। एकजुटता की अब ये तैयारी महाराष्ट्र तक जा पहुंची है। और मेरे सहयोगी सौरभ मेरे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, ये विपक्षी एकता मिशन का कारवां अब महाराष्ट्र पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार विपक्ष के जो नेता हैं देश भर के, उनसे लगातार वो मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की थी, अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, और अब ऐसा माना जा रहा है कि परसों यानी 9 मई को वो उड़ीसा जाएंगे, नवीन पटनायक से मिलेंगे, और दोपहर जो लंच होगा वो नवीन पटनायक के साथ करेंगे, और शाम में लौटने वक्त ऐसा भी माना जा रहा है या ऐसी भी खबर आ रही है कि वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर सकते हैं, और उसके बाद 11 मई को वो महाराष्ट्र जाएंगे जहां उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से होगी और शरद पवार से होगी। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस महीने के लास्ट यानी मई के अंतिम सप्ताह में विपक्षी एकता की एक बैठक बिहार में होने वाली है। जब नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिले थे तो ममता बनर्जी ने उनसे अनुरोध किया था कि मैं चाहती हूं कि अगली जो बैठक हो यानी विपक्षी एकता के जो नेता हैं उनकी जो अगली बैठक हो वो बिहार में हो, क्योंकि जेपी की जो आंदोलन है वह बिहार से ही शुरू हुई थी। तो ममता बनर्जी ने एक अनुरोध किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और उस अनुरोध को मानते हुए ऐसा माना जा रहा कि इस महीने के अंतिम सप्ताह में सभी विपक्षी पार्टी के तो बड़ा रोड मैप यहाँ तैयार कर चुके हैं नीतीश। अब इसमें कितना सफल होते हैं ये देखना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है, बने रहिएगा न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।